लेटेस्ट डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। और अगर आप देखें कल की बाजारों में जो भारी गिरावट, जो सरप्राइज रेट इंक्रीज आता हुआ दिखा था आरबीआई की तरफ से, उसके बाद कहीं ना कहीं यही इंडिकेशंस थी कि यहां पर अब आज के लिए हो सकता है कि संकेत पॉजिटिव देखने को मिले, क्योंकि फेड ने जिस तरह से यहां पर 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं उसके बाद जो कमेंट्री आई है चेयरमैन पावेल साहब की, उससे कहीं ना कहीं बाजार का जो मूड माहौल है आशीष वो काफी ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखा है। यहां पर आप देखिए 50 बेसिस पॉइंट्स तो ये तो वाइडली एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं बाजारों ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था। पर यहां पर जो कमेंट्री आई है कि आगे चलकर जिस तरह से 75 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा रेट हाइक्स आगे आने वाले जो मीटिंग्स है उसमें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको बाजारों में इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली। और अगर आप डाव का कल का चार्ट देखेंगे तो शुरुआती 2-3 घंटों में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान था, वहीं पे कारोबार हो रहा था, पर उसके बाद बेहतरीन तेजी आपको यूएस मार्केट्स में आती हुई नजर आई। और उसी वजह से आप एसजीएक्स निफ्टी देखिए, इस बीच ऑलमोस्ट 150 अंक में सुबह जब देख रहा था तो वहां पर तेजी थी एसजीएक्स निफ्टी में, और अभी भी हाल फिलहाल आप देखिए उसी लेवल्स के आसपास यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग के संकेत कल की भारी गिरावट के बाद आज नजर आ रहे हैं, पर क्या ये टिक पाते हैं इस पर बड़ा सवाल होगा आज का। तो आशीष, आप किस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं और कैसे लग रहे हैं आपको बाजार? देखिए, कल जो सरप्राइज था बाजार को, तो वैसे भी किसी भी प्रकार का सरप्राइज पसंद ही नहीं आता है, जब पॉजिटिव पसंद ही नहीं आता है, जब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो एक बार के लिए तो झटका आता ही है। शुरुआत कल के सत्र के देखे तो काफी बढ़िया हुई थी, है ना। स्टॉक्स हमने भी जितने खरीदारी के बताए थे सब वहां पर शानदार चल रहे थे, लेकिन जब झटका आया आरबीआई की तरफ से तो स्टॉक्स में जो है भारी गिरावट वहां पर देखने को मिली। अब संकेत सुधर चुके हैं और बड़ी बात मैं ये समझ रहा हूँ कि ओवरहैंग जो तलवार लटक रही थी ना वो खत्म हो गई है, अब वो डर नहीं है रेट हाइक का, अब बाजार ने इसको पूरी तरीके से पचा लिया, फैक्टर इन कर लिया है। तो खरीदारी के साथ अब जो है शुरुआत करेंगे लिस्ट की। सबसे पहले आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में यहां पर खरीदारी का स्टॉक मैंने जो चुना है वो है एसजेवीएन का, जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल इनके लिए पॉजिटिव खबर का अपडेट है जहां पर आपको फोकस रखना है। कंपनी ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ एक जो है अग्रीमेंट साइन कर लिया है, और इस अग्रीमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होगा उसकी कुल कॉस्टिंग जो आ रही है वो लगभग 5500 करोड़ रुपए की आ रही है। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, और आगे चलकर ये जो करार है वो इनकी ओवरऑल अर्निंग्स में काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकता है। उसी वजह से मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंटली और जिस तरह का ये खबर आया है एसजीवी इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। वैसे भी आप देखिए बहुत दिनों से ये रिडार पर नहीं था, पर ये जो खबर का है जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है उसका पॉजिटिव मूव एसजीवी इन दिखा सकता है। तो 29 रुपये ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए, 4-5% की तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 27.5 रुपये लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस। कैश का स्टॉक देखिए, मैंने नतीजों के आधार पर ढेर सारे स्टॉक्स मैंने चुने, यहाँ पर फोकस रहेगा EIH लिमिटेड। कल आपको EIH एसोसिएट बताया था, कल दिन के दौरान वहां पर तेजी आई, लेकिन समाव दिन के दौरान जो है जब बाजार में गिरावट आई तो ऑफाइज हो गया। यहाँ पर भी देखिए नतीजों का असर देखने को मिलेगा, और नतीजे काफी टर्न अराउंड देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ पिछले साल एबिटा घाटा था, इस बार एबिटा मुनाफा दर्ज किया, और घाटे के मुकाबले भी देखे तो कंपनी जो है पूरी तरीके से मुनाफे में आई है। इसके चलते 165 का इंट्राडे लक्ष्य, 155 का लगाइए टाइट स्टॉप लॉस, दिन के दौरान बढ़िया तेजी आएगी। फ्यूचर्स की बात करते हैं, यहाँ पर खरीदा है टाटा कंज्यूमर, थोड़ा सा रिस्की बेट साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नतीजे बिल्कुल सटीक हैं, वरुण ने जो है अनुमान बनाए थे कुशल, और एकदम डॉट आप देखें जिस प्रकार से जो एस्टिमेट वो लगाकर चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही नतीजे आए, और बाजार में कल देखे कल 2-2.5% की गिरावट स्टॉक ने भी दिखाई है। तो यहाँ पर खरीदारी करने का थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा कॉशियसली करेंगे। अगर दिन के दौरान जो है थोड़ी गिरावट के साथ खुलता है तो एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए। 805-806 के करीब जो है फ्यूचर्स में इसकी क्लोजिंग है, आप 800 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 825-830 रुपये तक के जो स्तर है इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो फ्यूचर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां पर खरीदारी करके चलिए, नंबर्स ठीक ठाक आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने अगेन एक लॉस्ट स्पेस यहां पर अब बड़ा फोकस वापस से बना रहा हूं, और आईटी स्पेस में आप देखिए इंफोसिस यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे भी कल जिस तरह से यहां पर रेट हाइक हुआ है आरबीआई की तरफ से उससे इनको उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट पूरे के पूरे स्पेस को उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर आप रियल एस्टेट ले या फिर ऑटो ले, वहां पर सबसे बड़ी मार पड़ती हुई नजर आ सकती है, उनकी डिमांड जो है उस पर इम्पैक्ट
हो सकता है, बट लार्जली ये अनइफेक्टेड रहेगा। और इन्फोसिस का अगर आप ADR भी देखें कल के सत्र में, तो ऑलमोस्ट 2% की तेजी यहाँ पर थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस आज बाजार की तेजी में ये एक सेक्टर है ऐसा जो आज शायद पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 1580 रुपए का टारगेट यहाँ पर बनाइए, 1520 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है ONGC का। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर कल कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 4% तक की तेजी फिर से लौट चुकी है, और $111 के आसपास अब यहाँ पर कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड फिर से ट्रेड करने लगा है। इससे क्या हो रहा है कि जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं अगेन वो फिर से फोकस में आती हुई नजर आएंगी, और क्लियर प्ले बाजार का मूव तो आप देख ही रहे हैं कि पॉजिटिव दिख रहा है। और कल का भी बाजार की गिरावट में भी ONGC का मोमेंटम अच्छा था, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ONGC आज भी आपको खरीद कर चलना चाहिए। 162 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, ऑलमोस्ट 5.5 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 12 रुपए के टारगेट के लिए 3 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। मैं चुन रहा हूँ कोल इंडिया, क्योंकि अभी भी देखिए जिस प्रकार से कोल की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और साथ में सरकार का जो कोल गैसिफिकेशन पर फोकस है, इससे एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 190 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दिन के दौरान जो है इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू 9.25 रुपए हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 5.70 रुपए का, 7 रुपए के करीब की जो है इसकी क्लोजिंग है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने कर लिए डिस्कस, लेकिन अगली जो हमारी कैटेगरी है वो होंगी टेक्नो और फंडा पिक। इसको आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे ओबेरॉय रियल्टी ये पसंद आ रहा है, जहां पर बिकवाली करने की सलाह है। आप देखिए रेट हाइक्स हो गए हैं, और ये सरप्राइज रेट हाइक था 40 बेसिस पॉइंट्स का। इनफैक्ट आज सुबह भी मैं अखबारों में देख रहा था कि अगर आप 15 से 20 साल का लोन लेते हैं तो उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं आगे चलकर जो डिमांड है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट सेंटिमेंटली नियर टर्म के लिए तो हो सकता है। और वैसे भी आप देखिए ओबेरॉय रियल्टी कंपेरेटिवली बाकी अन्य स्टॉक्स के मुकाबले, चाहे आप DLF लें या फिर और अदर गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी आप ले सकते हैं, वहाँ पर फॉल कल ज़्यादा था, यहाँ उसके मुकाबले यहाँ पर 3.5% का ही फॉल था। तो और फर्दर फॉल यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर आ सकती है, और इसी वजह से ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है। इसको बेच कर चलिए 885 रुपये के टारगेट के लिए, 932 रुपये लेकिन हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। तो टेक्निकली देखिए कुशल, मैं अपना सॉफ्टवेयर रिपीट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बेस्ट पिक के तौर पर जो है नवाब भारत वेंचर्स आपको बताया था, और दिन के दौरान जो है करीब 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन क्योंकि जो सरप्राइज हाइक आया इसके बाद हमने देखा कि सभी स्टॉक्स में बिकवाली आई, तो इसमें भी करीब आधे परसेंट के करीब की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन मोमेंटम बहुत बढ़िया और स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन भी पूरा बना हुआ है, तो अभी भी खरीदारी करके चलेंगे। करीब 185 रुपये का लक्ष्य है, आप 160 रुपये का जो है राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी फंडा पिक की तरफ। फंडा पिक के तौर पर मैंने चुना है KEI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इसके पीछे का तर्क ये है कि हैवल्स के नतीजे हैं, और इनमें केबल्स के जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो करीब 45% की देखने को मिली, और इनका पूरा कारोबार जो है केबल्स का ही है। तो आप खरीदारी कीजिए 1350 के लक्ष्य, 1210 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है हैवेल्स इंडिया का ही, डेफिनेटली ऑफ कोर्स। तो केबल लाइटनिंग बिजनेस में तो शानदार तेजी रही है, साथ ही लॉयड जो इनका AC कारोबार है वहाँ पर भी 63% की ग्रोथ रही है, और हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अप्रैल महीने में जिस तरह से सेल्स आती हुई दिखी है AC की, वहाँ पर कंपेरेटिवली काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और आगे के लिए भी मुझे लग रहा है कि अप्रैल से जून का तिमाही भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो अगले 3 महीनों के लिए इसको होल्ड कर चलिए, 1500 रुपये के टारगेट लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। तो चलिए फंडा पिक तो हो गई है, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी IPL स्टॉक, और यहाँ पर पावर से जुड़ी हुई एक कंपनी NTPC मुझे पसंद आ रहा है। लगातार आप देखिए यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी है, जिस तरह से देश में पावर की डिमांड रिकॉर्ड स्तरों पर चल रही है उससे कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है अर्निंग्स के लिहाज से, और 2 से 3 महीनों की डेफिनेटली आपको इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए। ऑलमोस्ट 180 रुपये यानी कि मौजूदा भाव से भी 20 से 22 रुपये के गेंस हम आगे चलकर देख सकते हैं, तो एटलीस्ट 15% के रिटर्न तो आपको अगले 2 महीने में मिल ही सकते हैं। तो IPL स्टॉक के तौर पर देखिए मैंने जो स्टॉक चुना है वहाँ पर सुमितोमो केमिकल्स, इस स्टॉक के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। कल भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था कुशल, 7-8% की तेजी जो है दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कन्विक्शन कम नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और पोर्टफोलियो में स्टॉक को अपने में शामिल कर लीजिए। कल बताया भी था कि जितने बार भी स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है हर दिन हर बार जो है बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली, तो 12 महीने का व्यू बनाकर चलें, 570 के पार जाएगा सुमितोमो केमिकल्स। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी खबरों के दम पर, मैंने चुना है मैट्रिमोनी, यहाँ पर इसको खरीदारी करने की राय इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि 12 मई को कंपनी की जो है बोर्ड बैठक होने की, जिसमें
नतीजों के साथ बायबैक के ऊपर भी जो विचार होगा इसके चलते, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सुस्ती दिखाता है, ज्यादा तेजी से चलता नहीं, तो 720-725 का लक्ष्य है, 690 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पर मैंने चुना है सिग्निटी टेक का काउंटर। वैसे भी इन्फोसिस मैंने आपको पहले बताया और आगे के लिए भी आज के हिसाब से सिग्निटी टेक पर भी आप फोकस रख सकते हैं। और दरअसल इसमें खबर ये है कि 18 मई को यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है और बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस वजह से यहाँ पर तेज़ी बन सकती है। और साथ ही लगभग करीबन इन्होंने 36.5 करोड़ रुपए का सौदा भी किया, पारा डिजिटल और विदेशी सब्सिडियरी जो इनकी है उनके बीच ये करार होता हुआ दिखा है। तो सिग्निटी टेक 433 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 415 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पेट्रोनेट। यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है और मेहमानों इसके साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। 220 रुपए का लक्ष्य, 209 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिड लिस्ट में एबीबी इंडिया। इसके नतीजे काफी शानदार हैं जिसके चलते आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 2090 रुपए के लक्ष्य के लिए 1992 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिड लिस्ट में रेन इंडस्ट्रीज। कल नतीजों से पहले बड़ा मूव यहां पर भी देखने को मिला, लेकिन समाव बाजार की गिरावट के साथ थोड़ा करेक्शन इसमें भी आ गया। नतीजे बहुत शानदार आए, इसके चलते थोड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। 172.50 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, 180 के पार जाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला खरीदारी का कॉल है ताज जीवी के पर। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। ईआईएच लिमिटेड के नंबर्स अच्छे आए थे, इसके पहले और भी होटल्स पे इसके जो नंबर्स आए थे अगेन फोकस में रह सकते हैं ये भी अपने आने वाले तिमाही नतीजों के लिहाज से। तो 172 रुपए का टारगेट यहाँ पर बनाइए, 163 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले स्टॉक की तरफ और मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड ये दो स्टॉक्स हैं मेरी बिकवाली की सूची में। कल भी मैंने आपको बिकवाली इसमें वेदांता पर बताया था और मेटल काउंटर्स पर भी का फोकस जो मैंने आकर्षित किया था वहां पर बिकवाली क्लियर कट आपको नजर आती हुई दिख रही, 4-5% का कट आया था। तो मारुति सुजुकी कल 3% गिरा है, आज और फर्दर गिर सकता है जिस तरह से सरप्राइज रेट हाइक्स आते हुए दिखे हैं। तो यहां पर बिकवाली कर चलिए 7178 ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए, 7480 हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनाइए। और आखिरी कॉल अशोक लेलैंड, यहां पर मैं अभी आपको लेवल्स बता देता हूं। नाम मैंने पहले आपको बता दिया, 115 रुपए का टारगेट यहां पर रखना है, लेकिन 123 रुपए स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, जल्दी इसे देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक एमिडेस में ईआईएच लिमिटेड, नतीजे हैं बढ़िया। टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और कोल इंडिया 190 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट होगा नवा भारत वेंचर्स में, फंडामेंटली केईआई इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है, निवेश के लिहाज से खरीदना है सुमितोमो केमिकल्स। और खबरों का असर देखने को मिलेगा मैट्रिमोनी में, पेट्रोनेट में आएगी तेजी, एबीबी इंडिया में करें खरीदारी और रेन इंडस्ट्रीज 180 के पार जाएगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पे केईआई इंडस्ट्रीज। कल जो है हैवल्स के नतीजे आए हैं और केबल्स कारोबार में सालाना 45% की ग्रोथ देखने को मिली है, सीधा असर देखने को मिलेगा। 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। चलिए कैश पे से एसजीवीएन काफी पसंद आ रहा है, टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ जो उन्होंने करार किया है काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। साथ ही फ्यूचर्स में इंफोसिस खरीद का चलिए, इसका एडीआर लगभग 2% अप था, बाजारों में भी अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशंस हैं। ओएनजीसी कच्चे तेल के बढ़ने से 162 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। साथ ही ओबरे रियल्टी यानी कि रियल एस्टेट और ऑटो स्पेस पर अगेन जो है आज के सत्र में दबाव रह सकता है, तो ओबरे रियल्टी बेचकर चलिए। हैवेल्स इंडिया नंबर्स एस्ट पर एस्टिमेट्स आए हैं, एसी सेगमेंट ने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो अगले 3 महीनों के लिए 1500 रुपए के टारगेट के लिए खरीद कर चलिए। इनफैक्ट आईपीएल स्टॉक में एनटीपीसी और अन्य पावर स्टॉक्स लगातार फोकस में हमारे बने हुए हैं, तो 2-3 महीनों की होल्डिंग पीरियड लगाकर चलिए। न्यूज के दम पर सिग्निटी टेक पसंद आ रहा है और माई चॉइस कैटेगरी में ताज जीवी के में तो खरीदारी करनी है, पर अगेन ऑटो स्पेस मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड में आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक हैवेल्स इंडिया पर, 3 महीनों की अवधि पे अगर आप होल्ड करते हैं तो 15-20% के रिटर्न्स आपको कंफर्टेबली यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एसी और केबल सेगमेंट्स काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स तो रिकैप करके बता दिए हैं।